हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। इस चैनल में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ डेली डेली कंप्यूटर के नए नए अपडेट्स के साथ। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप कंप्यूटर के आइकन्स को छोटा या बड़ा कर सकते हो, या फिर इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, उनकी साइज़ को कैसे अरेंज कर सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। सबसे पहले आपको माउस की हेल्प से राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपको ये सारे ऑप्शन शो होंगे। इस ऑप्शन में टॉप पर आपको व्यू ऑप्शन शो होगा, जिससे आप लार्ज आइकन से आइकन्स को लार्ज कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन में आप इसे मीडियम साइज में सेट कर सकते हो, और थर्ड ऑप्शन में आप इसे स्मॉल आइकन साइज में सेट कर सकती हो। व्यू में ही नेक्स्ट ऑप्शन में आप इसे अरेंज कर सकती हो, जैसे अगर आपके आइकन्स कभी यहाँ वहाँ हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे स्क्रीन में दिखा रही हूँ, अगर आपके आइकन्स यहाँ वहाँ सेट हैं तो आप इन्हें अरेंज कर सकते हो इसी व्यू ऑप्शन से। व्यू ऑप्शन पर आपको आ जाना है, और यहाँ पर आपको अरेंज ऑप्शन शो होगा, वहाँ पर क्लिक करते ही आपके आइकन्स अरेंज हो जाएंगे। व्यू के नेक्स्ट ऑप्शन में आपको आइकन को ग्रिड वाइज सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। आइकन्स को ग्रिड वाइज सेट करने का मतलब होता है, अगर आपके आइकन्स यहाँ वहाँ हैं या फिर सेट हैं ऑलरेडी, तो उसे आप ग्रिड वाइज सेट कर सकते हो। ग्रिड वाइज मीन्स एक लाइन के अकॉर्डिंग आप उसे सेट कर सकते हो। इसके बाद आपको व्यू में और भी दो तीन ऑप्शन शो होंगे। लास्ट सेकेंड ऑप्शन में आप देख सकते हो शो डेस्कटॉप आइकन्स का ऑप्शन है। यहाँ पर आप जैसे ही अनक्लिक कर दोगे तो आपके सारे आइकन्स अनशो हो जाएंगे, शो नहीं करेंगे। व्यू के नेक्स्ट ऑप्शन में आप देख सकते हो लास्ट ऑप्शन में डेस्कटॉप गैजेट्स। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि गैजेट्स होते क्या हैं। वापस से आपको ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर ओपन कर लेने हैं। लास्ट सेकेंड ऑप्शन आपको गैजेट्स का शो होगा। ये सारे के सारे गैजेट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। अगर आपको इन्हें यहाँ से बाहर स्क्रीन पर शो करना है, तो आपको माउस की हेल्प से लेफ़्ट टैप करना है और बाहर आकर लेफ़्ट टैप को छोड़ देना है, तो आपके गैजेट्स बाहर शो होने लग जाएंगे। देन व्यू के लास्ट ऑप्शन को यूज़ करते हैं हम। लास्ट ऑप्शन को अनक्लिक करते ही आपके सारे के सारे गैजेट्स अनशो हो जाएंगे। इसे शो करने के लिए आप वापस उसी ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन में आप देख सकते हो सॉर्ट बाय। इसके फर्स्ट ऑप्शन में आप आइकन्स को नेम वाइज अरेंज कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन में आप इसे साइज़ वाइज अरेंज कर सकते हो, जितनी भी MB का आइकन होगा उसकी साइज़ अकॉर्डिंग। थर्ड ऑप्शन में आप इसे आइटम टाइप के हिसाब से अरेंज कर सकते हो, और लास्ट ऑप्शन डेट मॉडिफाइड में आप इसे डेट के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हो। जिस भी डेट को आपने सॉफ्टवेयर को ऐड किया होगा सिस्टम में, उस डेट के अकॉर्डिंग ही सेट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें रिफ्रेश का। जब भी हम सिस्टम को ऑफ करते हैं, या फिर हमें सिस्टम में कभी भी कोई भी हैंगिंग प्रॉब्लम की इशू होती है, तो हम इसे कंटिन्यूसली रिफ़्रेश करते हैं ताकि वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ से हट जाएं। रिफ़्रेश करने के लिए आप सिंपली F5 बटन का भी यूज़ कर सकते हो। आई होप सो यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर न्यू अपडेट्स।